नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं ड्रॉइड यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो है बेसिकली डेडिकेट कर रहा हूँ मैं MIUI यूजर के लिए जो Xiaomi के फोन यूज करते हैं, जो लेकिन यहाँ पे साथ में और एक चीज वो यूज करना चाहते हैं, वो है बाकी जो यूजर इंटरफेस है बाकी दूसरे फोन का, जैसे कि ओप्पो का है, वीवो का है, सैमसंग का है या फिर बाकी जो ब्रांड्स है उनका है, तो उनके ऊपर बेस करके ये वीडियो जो है आज मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास Xiaomi का फोन कोई भी है, चाहे वो रेडमी का हो चाहे वो MIUI का खुद का हो, तो वो आप यहाँ पे यूज करके आसानी से उसको चेंज कर सकते हो और आपको फोन को एक नया लुक्स जो है वो दे सकते हो। तो उससे पहले सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे थीम स्टोर के अंदर। थीम स्टोर पर जाने के बाद देखिए नीचे अगर आपको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है थीम, तो आपको वहां से जाके अप्लाई करना है, नहीं तो आप ऊपर जाकर सर्च बटन से जाके सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ थीम आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। सबसे पहले मैं जो दिखाऊंगा उसका नाम है सराउंड एकरन, जो बेसिकली बनाया गया है मिक्स अल्फा के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो थीम है वैसा ही यहाँ पे जो है लुक्स आइकन जो है वो बनाया गया है। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ अप्लाई, ये 2 से 4 सेकंड लेता है अप्लाई होने में। तो वो अप्लाई होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि चेंजेस क्या क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा थीम है, मैंने ऑलरेडी यूज करके देख लिया है, तो आपके लिए भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मेरा थीम जो है अप्लाई हो चुका है, मेरा वॉलपेपर जो है डिफॉल्ट वो चेंज हो चुका है, आइकन जो है डिफॉल्ट वो भी चेंज हो चुके हैं, काफी स्मूथ लग रहा है। जो एक ब्लू एक पूरा थीम जो है मिक्स अल्फा का वही वैसा ही यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर मैं स्क्रीन लॉक कर दूँ, देखिए लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मिक्स अल्फा का बैक साइड का जो डिजाइन है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है वॉलपेपर में। आपको यहाँ पे टाइम भी वो ब्लैक जो स्ट्राइप है वहां पे दिख जा रहा है, साथ में कैमरा भी डिफॉल्ट जो है वो दिया गया है, जो कि वॉलपेपर में एक पिक्चर दिया गया है। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा एक थीम है। यहाँ पे आपको जल्दी से मैं डायलर पे दिखा देता हूँ। डायलर जो है यहाँ पे व्हाइट कलर के दिया गया है, तो काफी पसंद आता है बहुत लोगों के व्हाइट नीट एंड क्लीन जो हो वो यूजर इंटरफेस हो, तो उनके लिए ये थीम जो है बहुत ही इजीली अप्लाई आप कर सकते हो जाके। तो आपको ब्राउजर दिखा देता हूँ, ब्राउजर यहाँ पे जो है वो अभी खुला नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से बैक कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि बाकी फीचर जो है वो कैसे लग रहे हैं। देखिए डिफॉल्ट जो आइकन है वो सारे के सारे आइकन से वो चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपके फोन को यूज करते रहे तो बोर हो चुके हैं, जैसे कि मेरा ये फोन 3 साल के ऊपर जो मैं यूज कर रहा हूँ तो ये काफी पुराना हो चुका है, तो थोड़ा नया लुक्स देने के लिए इसको ये आसान से ये थीम को मैं अप्लाई करके इसको जो है नया लुक्स दे सकता हूँ। थोड़ा फील गुड फैक्टर आ जाएगा फोन के अंदर, वो थोड़ा नया हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट जो थीम है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार नाम दिखा देता हूँ। सराउंड एकरन जो इसका नाम है, अगर आप थीम स्टोर में जाओगे उसको सर्च करके आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले थीम के ऊपर और दिखा देते हैं कि वो कौन सा है। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कलर वाइज को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कलर वाइज के आइकन को पसंद करते हैं। तो हमारा जो अगला थीम है वो कलर वाइज के ऊपर ही जो है फाइंड एक्स प्रो इस थीम का नाम है, तो उसके ऊपर मैंने ये ढूंढ के निकाला है, जो बेसिकली कलर वाइज का जो लुक्स एंड फील है वो आपको दे देगा। तो जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई, जो है कंफर्टेबिलिटी इशू दिखा रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं और कर देते हैं इसको अप्लाई, और ये 2-3 सेकंड के अंदर वो हो जाएगा। चलिए देखिए अब जब मैं इसको होम पेज पर करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा आउटलुक है पूरा कलर वाइज जैसे हो गया है, चाहे वो वॉलपेपर हो, चाहे वो वेदर ऐप हो, गैलरी ऐप हो, बाकी जितने सारे ऐप हो जैसे डायलर हो, ब्राउजर हो, कैमरा हो, SMS हो, सबके सब यहाँ पे ऑलरेडी कलर वाइज जैसे हो चुका है। तो डिफॉल्ट जितने सारे आइकन थे वो कलर वाइज जैसा हो चुका है। जो नेटिव एप्लीकेशन आपका यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो डिफॉल्ट आइकन में ही रहता है, लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम ऐप्स है वो चेंज हो चुका है। तो आपका फोन में आप चाहे तो उसको डायल पैड भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कलर वाइज में व्हाइट रहता है वैसे ही व्हाइट यहाँ पे दिया जा चुका है। तो काफी अच्छा है, अगर आप कलर वाइज का फोन यूज कर चुके हैं या फिर आप रियलमी के फोन भी यूज करते हैं तो उसका भी थीम एंड लुक एंड फील जो है आपको इस थीम के अंदर मिल जाएगा MIUI 10 के अंदर। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए चलते अपने नेक्स्ट थीम के ऊपर जिसका नाम है ब्लैक शार्क। ब्लैक शार्क आपको पता होगा Xiaomi का एक गेमिंग डिवाइस का सीरीज है जिसमें बहुत ही पॉपुलर गेमिंग डिवाइस बनते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट जो थीम है वो ब्लैक शार्क के नाम से ही है, तो आप उसको आसानी से अपने MIUI स्टोर के अंदर ढूंढ सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने कर दिया यहाँ पे अप्लाई, सारे के सारे चीज जो है वो चेंज होने वाले हैं, तो आपको दिखा दूंगा कि कैसे लग रहा है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे होम प्रेस कर दिया है और ये थीम जो है लोड होने वाला है।
देखिए लोड जो है वो हो चुका है। सबसे पहले तो मुझे पसंद आया इसका जो थीम स्टोर का आइकन है वो कलरफुल है काफी, क्योंकि थीम स्टोर भी काफी कलरफुल है। यहाँ पे बाकी जो आइकन्स है वो भी देखिए, जैसे कि सिक्योरिटी वाला आइकन, जैसे कि बाकी जो आइकन्स है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। डायलर वायलर जो है नीचे, ब्राउजर, कैमरा सब चेंज हो चुका है, जैसे ब्लैक साउंड ओरिजिनल डिवाइस में रहता है। तो मैं आपको जल्दी से डायलर पैड दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी डायलर पैड जो है काफी बढ़िया दिखने में लगता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कितना एक अट्रैक्टिव फील है गेमर्स के लिए वो आ रहा है। अगर आप पबजी खेलते हैं या फिर दूसरा कोई गेम खेलते हैं आपके फोन में, तो ये थीम अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो अगर किसी के हाथ में ये फोन जाएगा तो उसको भी लगेगा हाँ चलो ये गेमर का फोन ही है। ऐसा नहीं है कि कोई कलरफुल डिस्प्ले देकर रखा है और कलरफुल आइकन्स है जो कार्टूनिश लगते हैं देखने में, लेकिन वो गेमर है। ये है ब्लैक शार्क 2। अगर आप ब्लैक शार्क 1 यूज करते करते उसको थोड़ा बोर हो चुके हैं तो ब्लैक शार्क 2 भी आप चाहे तो इंस्टॉल करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है आइकन्स थोड़े उससे मतलब ब्लैक शार्क 1 से थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा लाइट वर्जन दिया गया है मैं कहूंगा इसको, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा ही जो है गीक टाइप का दिया गया था। यहाँ पे वॉलपेपर देखिए बाकी जो देखिए ग्रीन कलर थोड़ा लाइट कर दिया गया है, जो वहां पे नियॉन कलर था ज्यादा यूज किया था यहाँ पे वो किया नहीं गया है, तो काफी स्मूथ है, आई सुधी है मैं कहूंगा इसको, तो यहाँ पे कभी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए डायलर, ब्राउजर्स, कैमरा आइकन और SMS बाकी सब जो आइकन और डिफॉल्ट सिस्टम के सारे चेंज हो चुके हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। मैं कहूंगा ब्लैक शार्क 1 से ब्लैक शार्क 2 मुझे ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये थोड़ा आई सुपिंग है। यहाँ पर डायलर देखिए, डायलर भी काफी बढ़िया लग रहा है देखने में यहाँ पे। तो ये मुझे लग रहा है कि ब्लैक शार्क 1 से मुझे ब्लैक शार्क 2 का ज्यादा पसंद आया। आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बेसिकली आपको जो थीम्स दिखाने थे मैंने वो थीम दिखा दिया, 4-5 तो थीम मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखे थे अपने फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि ज्यादा थीम्स एक साथ दिखा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत लोग वो देख नहीं पाते हैं, तो आपको छोटा सा एक वीडियो बना के दिखा दिया। आपको अगर रोल बैक करना है अपने डिफॉल्ट थीम में या क्लासिक थीम में तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं अप्लाई, फिर से 2 से 4 सेकंड ये लेता है और अप्लाई हो जाता है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ नीचे कमेंट करके कुछ भी सवाल वो पूछना मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।